नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार धनु राशि, लक्की कलर, लक्की नंबर 2020 के लिए। धनु राशि के लिए कौन सा कलर लक्की रहेगा, कौन सा नंबर लक्की रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा प्रभाव डालेंगे, विचार करेंगे। धनु राशि मैंने जैसे बोला हुआ है साढ़े साथी के प्रभाव में, लेकिन इनके लिए बहुत ही अच्छे समाचार है। उन्होंने 5 साल जो है साढ़े साथी के ख़त्म कर दिए हैं और गुरु महाराज इनकी कुंडली का आगमन हो गया है। राशि का जो स्वामी है गुरु महाराज आपकी राशि के अंदर आ गए हैं 5/11 से 19 से। लेकिन अभी आपके लिए 2020 का जो साल है वो कैसा रहेगा, कैसा उनका हिसाब किताब रहेगा, उसके ऊपर विचार डालेंगे। तो कौन सा सबसे पहले कलर इनके लिए लक्की है वो देखते हैं। कलर इनके लिए सबसे पहले लक्की माना जाएगा 2020 में, क्योंकि गुरु आपके खुद बॉडी पे भ्रमण करने वाला है। ये करीबन रहेगा आपको नवंबर 20 तक रहने वाला है 2020 के, तो ये लास्ट दिसंबर तक हो जाएगा, करीब करीब पूरा साल भर रहेगा। तो गुरु आपकी कुंडली में मेन हीरो गिना जाएगा आज की तारीख के अंदर, क्योंकि वो राशि का स्वामी है और खुद राशि में आया हुआ है। तो ये गुरु आपके लिए, कलर गुरु का जो होता है वो पीला, क्रीम, मरून, ये सब कलर आपको ज़्यादा चलेंगे। ये कलर ज़्यादा पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कलर का उपयोग कीजिए। आप अपने सिर के ऊपर, मतलब कपाल के ऊपर पीला तिलक करके घर से निकलिए, ये काफ़ी आपको हद तक फ़ायदा होगा। ये प्रयोग आप थोड़ा कीजिए, क्योंकि जैसे भी गुरु यहाँ मैंने जैसे बोला 5/11 से आए हुए हैं, तो आपके बहुत से धीरे धीरे वो गुरु आगे काम करते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, बहुत से जैसे आपके काम हैं वो धीरे धीरे बनने लगे हैं। शनि का भी आगमन हो गया है सेकेंड हाउस के अंदर, तो गुरु का जो कलर माना जाता है, गुरु को पीला कलर, पीले वस्त्र बहुत ही पसंद है, क्रीम वस्त्र भी ज़्यादा पसंद है। चने वगैरह जैसे बोलते हैं पीले कलर के आते हैं, उसका आप सेवन कीजिए। हल्दी का सेवन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीली चिक्का उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, उपयोग कीजिए। कलर आपका मैंने जैसे बताया हुआ, ये आपके लिए 2020 में पीला कलर, क्रीम कलर, येल्लो कलर, मरून कलर, कपाल पे आप थोड़ा पीला तिलक चंदन का करके निकलिए कोई भी काम के लिए, तो आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर आपका जो बोला जाएगा, गुरु का जो नंबर आता है, गुरु ही आपके लिए अभी भाग्य का स्वामी माना जाएगा, क्योंकि 2020 में गुरु की जो पोजीशन है वो काफ़ी तेज है। धनु राशि में गुरु 13 साल में एक बार आते हैं, वो खुद की राशि है गुरु की, तो इसलिए गुरु का जो नंबर है वो 3 नंबर है, 3 नंबर गुरु को लागू पड़ता है। 1 से लेकर 9 ग्रह है, उसके सबके अलग अलग नंबर आते हैं, लेकिन 3 नंबर जो है वो गुरु का है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का उपयोग करना चाहिए। टोटल 3 आएगा तो भी चलेगा, जैसे मैंने बोला हुआ 7, 8, 6 का टोटल 21 होता है, तो 2+1=3 होता है। ऐसे आप टोटल कीजिए कोई भी चीज़ का, जैसे लंबा भी टोटल है लेकिन कुल मिला के टोटल 3 आना चाहिए। ये नंबर आपको मोबाइल नंबर है, गाड़ी नंबर है, घर नंबर है, शॉप नंबर है, या कोई भी चीज़ आप नहीं ले रहे हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं, नंबर का उपयोग हो रहा है, तो 3 नंबर आप प्रीफर कीजिए। ये आपके भाग्य को 4 चांद लगा देगा और आपकी तरक्की होगी, आपको फ़ायदा दिखेगा और आपको कहीं ना कहीं पोटेंशियल नज़र आएगा। इसलिए 2020 में धनु राशि वालों के लिए ये दोनों चीज़ें मैंने बताई है, उसका आप थोड़ा सही तरीके से पालन कीजिए, आपको बहुत से फ़ायदे नज़र आने चालू हो जाएंगे। नमस्कार।